वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल लकी टाइल्स फिटिंग। आज हम पाइपलाइन का चोकअप कैसा कराने का इसके बारे में बात करेंगे और लाइव प्रूफ के साथ बात करेंगे। अगर आपके यहाँ टाइल्स वगैरह पहले से लगी है, ये जो एरिया है वॉशिंग एरिया है और ये ओपन है, इसके ऊपर स्लैब वगैरह कुछ नहीं है और ये सेकंड फ्लोर का वॉशिंग एरिया है, तो इसकी वजह से ना इसमें पाइप के अंदर धूल वगैरह मट्टी हवा चलती है, तो इसकी वजह से ज़्यादा जमा हो जाता है, पाइप बार बार चोकअप हो जाता। तो हम लाइव प्रूफ के साथ आज आपको वीडियो में बताएंगे पाइप का चोकअप कैसा खोलते हैं। अगर आपके बाथरूम वगैरह के पाइप चोकअप हुए हैं तो टाइल्स को तोड़ फोड़ करने से बेहतर है कि पहले आप एक बार ये तरीका, ये जो ट्रिक है, इसको एक बार ट्राई कर ले। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने जो पाइप का जो पानी जो बह नहीं रहा था पाइप में से, उसको हमने एक बाल्टी में जमा कर लिए मग्गे की मदद से या किसी भी और चीज़ की मदद से। और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये है कास्टिक सोडा। ये आसानी से किसी भी दुकान पर जहाँ कपड़े रंगने का रंग मिलता है ये, या फिर साबुन वगैरह की सोप की जो दुकान होती है वहाँ आसानी से मिल जाता है। और ये कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 100 रुपये के करीब 100 रुपये किलो के आसपास मिलता है। इसको हमने जो डायरेक्ट नैनड्रॉप में डाला, कास्टिक सोडा जो है चम्मच के ज़रिए नैनड्रॉप के अंदर जो है पानी जहाँ से बहता है वहाँ डाला है। और दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वीडियो में ये है कि कास्टिक सोडा डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ना है, उसको चम्मच या किसी भी चीज़ से हैंड्रॉप में डालना है, डायरेक्ट हाथ से उसको छूना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये वीडियो में यही है कि कास्टिक सोडा को हाथ नहीं लगाने का, और अगर हाथ लगाए या नहीं भी लगाए तो बार बार अपने हाथ को काम होने के बाद में एक ठंडे पानी से धो लेने का। अगर मान लो आपके हाथ में नहीं भी कास्टिक सोडा लगा तो भी धो लेने का। और ये हमने कास्टिक सोडा इसके अंदर डाले, आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा हूँ लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गए। कास्टिक सोडा करता क्या है, कास्टिक सोडा जो है पाइप लाइन के अंदर मौजूद घान कचरा मट्टी जो हम बर्तन धोते हैं उसका जो भी वेस्टेज होता है उसको वो अंदर ही अंदर ढीला कर देता। और जब एक बार जब पाइप के अंदर की घान मट्टी जब ढीली हो जाती है तो पानी के बहाव के प्रेशर से वो अपने आप आगे बढ़ते जाती है। अभी क्या हो रहा है, अभी जो मैं जो इसके अंदर कास्टिक सोडा डाल रहा हूँ तो कास्टिक सोडे की वजह से जो घान जो ढीली हो रही उसको आगे बहने जगह नहीं मिल रही, तो रिवर्स पाइप के बाहर आ रही, लेकिन वो जाएंगी बराबर, वो बहेंगी जैसा जैसा आगे का जो मटेरियल अंदर जो जमा हुए लय वेस्टेज मटेरियल वो जैसा जैसा ढीला होते जाएगा वो बराबर आगे बढ़ते पानी के साथ में आगे बहते जाएगा। आप देख सकते हैं करीब 250 ग्राम से ज़्यादा तकरीबन 400 या 500 ग्राम मैंने कास्टिक सोडा अभी तक इसमें पाइप के अंदर डाल चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके बाथरूम या टॉयलेट वगैरह में या फिर किचन की पाइपलाइन चोकअप है तो सबसे पहले ये करना, करके एक बार ट्राई मारना। अगर नहीं हुआ तो फिर आपने तोड़ फोड़ करना, क्योंकि अगर ये इसमें अगर आपका पाइप का चोकअप क्लियर हो जाता है तो आपका जो तोड़ फोड़ करने में जो खर्चा आता वो, दूसरी बात ये कि जितने भी दिन काम चलेगा वो, ये दो बातों से आप बच जाएंगे। और कास्टिक सोडा डालने के बाद करीब इसकी प्रोसेस को करीब करीब 1 घंटा लगता है। 1 घंटे तक इसको छोड़ देने का, उसके हाल पे इसको कुछ भी नहीं करना, ना उसको उसके अंदर कोई चीज़ डाल के नली वगैरह या लकड़ी वगैरह से इसको आगे पीछे करने कोई ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ देने का है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं थोड़ा टाइम हो चुका है, जैसा क्या है मैंने आपको बताया था क्या, गाना आगे बहने की बजाय पीछे ही रिवर्स आ रही, इसके लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा एसिड डाला है ताकि जो प्रोसेस जो है जल्दी जल्दी हो और घान जो है आगे की तरफ सरके। ये जो घान जो है ना आगे बढ़ने की बजाय पाइप में से बहने की बजाय वो रिवर्स बाहर आ रही, क्योंकि उसको आगे जगह नहीं मिल रही, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा एसिड डाला है। आपने देखना, अगर ज़रूरत रही तो डालना, नहीं ज़रूरत रही तो कोई ज़रूरत ही नहीं ये डालने की, क्योंकि ये कास्टिक सोडा ऑलरेडी बहुत पावरफुल होता है, इसलिए मेरी
इसलिए मेरा यही कहना है कि आपको ज़रूरत रही तो ही डालना, क्योंकि ये जो पाइप जो है ये वॉशिंग एरिया का पाइप है और इसमें खाने पकाने का जो वेस्टेज जो है वो भी घान कचरा ऐसा मिला के बहुत ज़्यादा मजबूत मटेरियल अंदर बन जाता है, वो जल्दी बह नहीं पाता कास्टिक सोडे के, इसलिए मैंने इसके अंदर एसिड डाला है। अगर आपके पाइप की ज़रूरत रही तो ही डालना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और एसिड डालते वक्त थोड़ी एहतियात बरतने का दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। ओके दोस्तों, हम फिर से दोबारा पाइप के पास आ गए हैं करीब 1 घंटे के बाद। 1 घंटे में इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और आप देख सकते हैं कि पानी जो है बहना शुरू हो गया है। पहले थोड़ा पानी थोड़ी घानवीन आ गया, आपने वीडियो में देखा होगा जमा थी, लेकिन मैं जब बाद में जब रिटर्न आया तो मैंने एक बाल्टी में गर्म पानी हीट करने के लिए रखा था और वो गर्म पानी मैंने इसके पाइप के अंदर डाला, जो घानवीन जो थी वो गर्म पानी के वजह से अंदर ही अंदर बह गई और जो बाकी का जो बाद में जो पानी डाला वो यहाँ पर जमा है और वो भी बहना शुरू है। आप देख सकते हैं पाइप के अंदर कि पानी बराबर बहना शुरू हो चुका है। और एक बात ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है कास्टिक सोडे का इस्तेमाल अपने पाइप के जो चोकअप जितना है उसकी ज़रूरत के हिसाब से करना। मेरा ये जो पाइप जो था ये ज़्यादा चोकअप था, इसके वास्ते मैंने इसमें कास्टिक सोडा का इस्तेमाल ज़्यादा किया। आपने अब एक अंदाज़ा लगा लेना कि भाई पाइप कितना चौका पे क्या है, वो हिसाब से कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करने का। पानी बहने की जो रफ्तार है थोड़ी धीमी है, इसके मतलब कि पाइप पूरी तरह से चौका खुला नहीं है, थोड़ी बहुत और घान अटकी, तो हम बाद में और इसके अंदर कास्टिक सोडा करीब करीब 200 से 400 ग्राम तक का और डाल देंगे ताकि जो बाकी का जो बचा है जो नहीं निकले वो भी निकल जाए। और इसको कास्टिक सोडा इस पाइप में डालने के बाद में इसको छोड़ देंगे एक आधे घंटे के लिए और ये इसके बाद में फिर डायरेक्ट इसका यूज़ शुरू कर देंगे और ये पाइप पूरी तरह से अभी चोकअप जो हुआ था वो खुल चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।